Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. If you are new to this channel, my name is Saba and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी कीमा, तो उसके लिए हमें चाहिए 1 kg चिकन का कीमा, 4 अदद टमाटर, 5 अदद हरी मिर्चें, 1 tablespoon अनारदाना, 1 tablespoon हल्दी पाउडर, 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, 1 tablespoon नमक और 1 tablespoon हमें चिली फ्लेक्स चाहिए। 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और 1 kg ही मैंने भिंडी ले ली है। ये सब चीज़ें मैंने पहले से ही काट के रख ली हैं। भिंडी को बहुत बारीक नहीं काटना, उसको थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटना है। और उसके बाद हमने चिकन को फ्राई कर लेना है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। अगर बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो चिकन का कीमा सख्त हो जाएगा। और इसको फ्राई करने के बाद हमने भिंडी फ्राई करनी है। ये बनाना बहुत ही आसान है और झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाती है। ये मेरी अपनी ज़ाती रेसिपी है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह से भिंडी कीमा कितना मज़े का बनता है। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, ये देखें, ये बिल्कुल लाइट सा ब्राउन हो गया है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है और इसको निकालने के बाद हम भिंडी फ्राई कर लेंगे जी। तो ये मैंने सारा निकाल दिया है और सारा निकालने के बाद अगर इसके पीसीज हों तो वो आप स्टेन कर लें। ये मैंने भिंडी रखी है ऊपर और भिंडी रखते ही गैस बंद हो गई है। आजकल गैस का बहुत ही ज़्यादा मसला चल रहा है, तो अब मैं इसे अपने इलेक्ट्रिक बर्नर के ऊपर बनाऊंगी। अभी मैंने कल ही अपने इस बर्नर का रिव्यू दिया था और आज अल्लाह ताला ने मौका दे दिया है कि मैं इस पे आपको खाना बना के चेक कराऊं कि ये कितना ज़बरदस्त चलता है। भिंडी भी हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हमने प्याज ब्राउन करना है और जब प्याज ब्राउन हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद उसको ब्राउन करके हमने टमाटर और हरी मिर्च डाल देनी है। जब टमाटर और हरी मिर्च भी गल जाएँ तो फिर हमने जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए थे डालने के लिए वो डाल देने हैं। वो डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब अच्छी तरह से ये मसाला भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें चिकन का कीमा ऐड कर लूँगी। देखें, मसाला तो बहुत अच्छे से भुन रहा है और देखें अब मैंने इसमें कीमा ऐड कर लिया है। कीमा ऐड करने के बाद कीमे को इसमें अच्छे से भून लेना है और जब अच्छे से भुनाई हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने भिंडी ऐड कर लेनी है। और भिंडी ऐड करके उसमें मैंने अनारदाना भी डाल लिया है और साथ मैंने सिरके के 2-3 ड्रॉप्स डाल के अच्छे से भून लिया है। जब ये अच्छे से भुन जाए तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। ले जी, हमारी ज़बरदस्त सी बहुत मज़ेदार सी जी। तो आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें आप इजाज़त दें, मिलूंगी नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।